ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान कांग्रेस में हुई सियासी उठापटक को एक महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। वहीं उस दौरान पार्टी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा इस मसले पर 3 दिन में फैसला लेने का बयान दिए जाने पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान देते हुए गहलोत खेमे से पायलट गुट में आए मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब आलाकमान को इस बारे में जल्दी फैसला लेना चाहिए, इससे आलाकमान की विश्वसनीयता पर असर पड़ रहा है। वहीं 25 सितंबर को हुई विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले मंत्री महेश जोशी, शांति धारीवाल और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को लेकर गुड़ा ने कहा कि आलाकमान को इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। आपको बता दें, कभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद विश्वसनीय रह चुके ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि हमारे संगठन महामंत्री वेणुगोपाल जी ने कहा था कि हम 1 या 2 दिन के अंदर ये राजस्थान के सीएम का फैसला कर देंगे। दूसरा, धारीवाल जी को, महेश जोशी जी को, धर्मेंद्र राठौड़ जी को नोटिस दिए। अब 1 महीने से ऊपर का समय निकल गया उस बात को। इसमें सीएलपी की मीटिंग बुलाने की बात हुई थी तो अभी तक सीएलपी की मीटिंग नहीं बुलाई गई। मेरा तो यही कहना है कि आलाकमान की विश्वसनीयता और जो उन्होंने जिस तरह की बातें हुई थी कि सीएलपी की मीटिंग हो, उसमें ये तीनों लोग जिनको नोटिस दिए गए हैं उनके बारे में कोई भी फैसला किया जाए। आलाकमान की बिहाफ पर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के शब्दों को याद दिलाते हुए मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि और राजस्थान के मुख्यमंत्री का फैसला जो वेणुगोपाल जी के हिसाब से 1 या 2 दिन में होना था, वो फैसला किया जाए जिससे कि हिमाचल और गुजरात के चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिले और इससे दोनों जगह कांग्रेस अच्छी स्थिति में है। और ये जब इस चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सभी जगह एक चर्चा का विषय बना हुआ है और इसमें जल्दी फैसला करके आलाकमान को जिन 3 लोगों को नोटिस दिए उसमें जो भी फैसला करे आलाकमान, वो फैसला तुरंत करे, सीएलपी की मीटिंग तुरंत बुलाई जाए और इससे मुख्य जो सीएम का फैसला है, जो भी हमारे नए अध्यक्ष जी अब बन गए, उन्होंने कार्य ग्रहण कर लिया, वो यहाँ पर्यवेक्षक के रूप में आए थे, उन्होंने सारी चीजें देखी है, अब इसके बाद में उनको ये मैसेज देना चाहिए कि पार्टी डिसीजन कर रही है, इससे पार्टी को फायदा होगा। इसी कड़ी में मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और सीएम गहलोत के करीबी व आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को जारी किए गए नोटिस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं होने को लेकर गुड़ा ने कहा कि अभी ये लोग आलाकमान के इनके पास नोटिस हैं और ये एक प्रकार से पार्टी के कटघरे में खड़े और पार्टी इनको बरी करती है, इनको सजा देती है, इनको पार्टी से निकाला जाता है, सस्पेंड करते हैं, बर्खास्त करते हैं, माफ करते हैं, पार्टी करे, लेकिन उस हिसाब से इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। बाकी डिसीजन है ना सारा का सारा वो पार्टी करेगी, लेकिन सीएलपी की मीटिंग है या मैं यदि मैं हूं तो फैसला डाले। इसके साथ ही गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने आगे कहा कि हम तुरंत डिसीजन करते हैं दिल्ली के अंदर सीएलपी की मीटिंग बुला के, अब तो वहां हमें फायदा होगा इसका। और इसमें जो भी जो ये स्थिति बनी हुई है, जो लोग दुविधा में लोग बैठे हैं, ये स्थिति राजस्थान की जनता के हित में नहीं। मीटिंग हो, इसमें तुरंत ये मुख्यमंत्री जी का जो सीएम का फैसला है ना, वो फैसला भी हो जाए और इसके साथ साथ जो नोटिस जिनको दिए हैं उनको जो भी फैसला करे आलाकमान करे। अब नए अध्यक्ष जी से मेरा यह अनुरोध, मैं जहां तक है कि सीएम साहब इस मामले के अंदर दिल्ली में अपनी बात कह चुके, वो ये भी कह चुके सोनिया जी जो फैसला करेंगी, आलाकमान जो फैसला करेगा उसको मानेंगे। अब आगे की प्रक्रिया है वो तो आदमी की चलती रहती है।
हूँ कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस बढ़िया स्थिति में है, और यदि हम तुरंत डिसीजन करते हैं दिल्ली के अंदर सीएलपी की मीटिंग बुला के, अब तो वहां हमें फायदा होगा इसका। और इसमें पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर, ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।